नमस्कार, फेलिसिटी टीवी में आपका स्वागत है। आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कोई नेता किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, कोई किसी से दूर भाग रहा है, लेकिन ज़्यादातर नेता बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। इसी क्रम में कल गौतम गंभीर जो अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो काफ़ी हाइलाइटेड रहते थे पिछले 5 साल में, उनकी शायद कहीं पूछ नहीं हो रही है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, उनको ना बीजेपी ने टिकट दिया, ना ही लालू यादव ने दिया और ना ही कांग्रेस ने दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की भी आजकल कहीं बैटिंग नहीं चल रही है, उनको शायद भारत की पार्टी कोई लेने को तैयार नहीं, ना ही इवन राहुल गांधी भी उनसे भाषण नहीं दिलवा रहे हैं। एक थे यशवंत सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी को भी कोई पार्टी नहीं पूछ रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने कुछ बुजुर्ग नेताओं के टिकट काट दिए हैं, जिनमें बीजेपी के एक बहुत पुराने नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी भी हैं और झारखंड से करिया मुंडा जी हैं। करिया मुंडा जी 8 बार लोकसभा के एमपी रहे और आडवाणी जी भी 6 बार गांधीनगर सीट से गुजरात से जीते। ये अपना गेम है। फिलहाल हम बागपत की बात करते हैं। बागपत में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जयंत चौधरी जी को टिकट मिला है, वह बीजेपी की तरफ से सत्यपाल सिंह जी जो अभी भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं उनको टिकट मिला है। सत्यपाल सिंह पहले आरएलडी के चीफ अजीत सिंह के पीएसओ हुआ करते थे, ये आईपीएस हैं, बंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे, ये सबको पता है। और अब दूसरी बार बीजेपी ने इन पर अपना भरोसा जमाया है, इन्होंने क्षेत्र में काफ़ी काम भी किया है और बीजेपी इन पर भरोसा कर रही है। समीकरण क्या बनते हैं ये बात की बात है। जयंत चौधरी श्री अजीत सिंह के पुत्र व चौधरी चरण सिंह के पपोत्र हैं। इन्हों ये अपने बाबा की खोई हुई विरासत को पाने के लिए बेचैन हैं, हर गली शहर व मोहल्लों में घूम रहे हैं, काफ़ी एक्टिव नेता हैं। इनकी पत्नी भी इनका साथ रहती है, वे लोगों से मिलकर उनकी समस्या पूछती हैं, वे आश्वासन देती हैं कि यदि इनके पतिदेव जयंत चौधरी जी जीते तो उसमें कुछ करेंगे। और वे ये लोग चौधरी चरण सिंह का भी नाम लेते हैं, लेना भी चाहिए क्योंकि ये इनके प्रपोत्र हैं, कि वही चौधरी चरण सिंह की को काफ़ी इस क्षेत्र ने कई बार एमपी बनाया था, एमएलए बनाया था, वे इस क्षेत्र के जाने माने नेता थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को चाइना ने $2 अरब और उधार दिए हैं। इस तरह से चाइना ने करीब पिछले 6 महीने में $8 अरब पाकिस्तान को दिए। वे सऊदी अरेबिया ने भी करीब $3 से $4 अरब पाकिस्तान को दिए, दुबई ने भी $2 अरब दिए। पाकिस्तान आजकल कर्जा ले लेकर अपनी सरकार चला रहा है। साथ में इन्होंने भैंस बेचने से बात शुरू की थी और अब सरकारी फैक्ट्री व सरकारी ऑफिसेज भी बेचने के लिए लिस्ट में आ गई हैं। इस तरह से पाकिस्तान का गुजारा कब तक चलेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन उनके लिए आतंकवाद हमेशा जिंदाबाद था, है और शायद रहेगा। बाद में इस देश का क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तो ये देश फेल हो चुका है। 6 महीने पहले तक पाकिस्तान पर $27 अरब का कर्जा था, $8 अरब इसमें $8 अरब चाइना से और करीब $6 अरब सऊदी अरेबिया व दुबई से जुड़ गए हैं। और फिर भी इनके विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $8-9 अरब का ही है, इसका मतलब जो पैसा उधार का आया था वो बट चुका है, आगे इसकी सैलरी अल्लाह के भरोसे है।
कौन किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको सरकारी नौकरी में रखा जाएगा या सब लोग मिलकर जिहाद करेंगे, ये पाकिस्तान की नियंता तय करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाइना में थे, इन्होंने कहा कि ब्रिटेन में 5 मस्जिदों पर हमला हुआ है, लेकिन भारत ने हमले की निंदा की लेकिन मस्जिद का नाम नहीं लिया। पता नहीं इनके दिमाग में क्या रहता है, जब हमले की निंदा कर दी तो वो ही काफ़ी है, मस्जिद का नाम लेना कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो हम भी हमले की निंदा करते हैं और लेकिन साथ ही कहते हैं भाई ये सब लोगों को समाज से मिलकर रहना चाहिए। आज 23 मार्च है, 23 मार्च को श्री भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई थी। ये वो लोग थे जो हंसते हंसते इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए फांसी पर झूल गए, लेकिन शायद इसके बाद उन्होंने किसी ने भी आज़ादी के इन दीवानों की नहीं सुनी। आज तक भी लिखित में भगत सिंह को आतंकवादी माना जाता है। वैसे हम सब लोग इनको सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसे माँ के बेटे थे जो अपने बेटे के मौत पर रोई नहीं थी, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि तुम भगत सिंह की माँ हो और माँ से अलग हो, इसलिए रोना मत। तो वो अपने बेटे की मौत पर रोई नहीं थी। और सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला का गाना गाते हुए फांसी पर झूल गए थे। हम इनको पूरी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। भगवान इन जैसे सपूत सबको दे। थैंक यू।